अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एग की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप एग लवर हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आप ऑमलेट खाना पसंद करते हैं तो इस बार ऑमलेट का एक नया अंदाज बना करके देखिए, आप लोगों को ग्रेवी के साथ बहुत मज़ा आएगा। तो आज की मेरी रेसिपी है ऑमलेट करी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सामान ले रखा है जिस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, और इसमें मैंने लिया था 1/4 टीस्पून छोटा चम्मच नमक। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें करी बनाना है और करी में भी नमक होगा। तो अपने टेस्ट के हिसाब से देख के ध्यान से डालें। मैंने इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, आप अपनी पसंद से इसके अंदर और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप प्याज डाल सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं, या गरम मसाला डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमारी करी में मसाले होंगे, स्पाइसेस होंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली हैं जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 2 हरी मिर्च लिए हैं, इन्हें चॉप कर लिया है। लेकिन इसकी मुझे एक प्योरी तैयार करनी है, इसे मुझे ग्राइंड कर लेना है। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मुझे एक छोटा चम्मच ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर अपना पैन ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हमने पूरे में इस तरह से फैला दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं एग। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। पूरे में फैला दिया है, थोड़ा सिकने देते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सिकने लग जाएगा तो इसे हमें इस तरह से पलट देना है। थोड़ा थोड़ा इसको हम पलटते जाएंगे, रोल करते जाएंगे इस तरह से। हम अपना बाकी का एग भी इसमें डालते जाएंगे। बाकी का एग भी हम इसमें डाल देते हैं पूरा। तो इसे हम और रोल कर देते हैं। इधर साइड से हम हटा देते हैं क्योंकि इसे हम इधर से बिल्कुल स्मूथ रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से साइड से स्क्रैच कर देते हैं, जो अगर थोड़ा बहुत इसमें लग गया है तो उसको स्क्रैच करके निकाल देते हैं। और इसे फिर एक बार इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है पूरी तरह से। तो ये पूरी तरह से फोल्ड हो गया है और पूरे अच्छे से ये सिक गया है। थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सा ये सीख के तैयार हो गया है। इसे हम निकाल देते हैं बाहर और हमें अपना बाकी का काम भी इसी पैन में कर लेना है, तो हम इसी में ही बना सकते हैं। हमने इसे दोनों तरफ से इस तरह से सेक लिया है। अब इसे हम कर देते हैं बाहर प्लेट में। अब हम उसी पैन में ऑयल ले लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो हमें लेना है, यहाँ पर मैंने एक सिनेमन स्टिक ली है, लौंग ली है और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी प्याज। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है ट्रांसलूसेंट हो जाने तक। हल्का सा कलर इसका पिंकिश हो जाएगा तब तक इसे हमें फ्राई करना है। प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 टीस्पून या 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी हम साथ में इसको भून लेते हैं ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। इसे भी हम साथ ही में भून लेते हैं ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए।
अब हमने ले लिया है यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके रखा था। इसमें अब हम ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपनी पसंद से कम या ज्यादा मसाले रख सकते हैं। आधा छोटा चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पे नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पे कसूरी मेथी। तो अब हमें इन सभी मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि हमारे मसाले जलने ना पाए। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जल सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। दो चम्मच आप पानी इसमें डाल दें और फिर आप इसको फ्राई करें, तो इससे आपके मसाले जलेंगे नहीं। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, चलिए हम अपने जो हमने एग बनाकर तैयार करके रखा है ऑमलेट, उस पर नजर डालते हैं। तो ऑमलेट हमारा यहाँ तैयार है, इसके हमें अब करने हैं पीसेस, तो हम पीसेस कर लेते हैं। तो हमने पहले यहाँ मिडल से ले लिया है, जितने बड़े आप पीसेस चाहते हैं उस हिसाब से इसके आप पीसेस कट कर लीजिए। इधर से भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे एग सब कट गया है। तो अगर आपको इतने बड़े पीसेस ही रखने हैं तो आप इसी तरह से इसको करी में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इसको थोड़े छोटे पीसेस होना चाहिए तो हम इसे बीच से भी एक बार इसको कट कर लेते हैं इस तरह से। तो थोड़े से छोटे पीसेस हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम पनीर खा रहे हैं, पनीर के क्यूब्स की तरह से ये बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से ये क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये देखिए एग हमारा पूरा इसी तरह से क्यूब्स में कट हो गया है, जो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और करी में डालने के बाद ये बहुत ही मजा देने वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो आपको जिस हिसाब से इसकी करी रखनी है आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ ग्लास पानी मैंने यहाँ पे लिया है और इसे हमें अच्छे से पकने देना है। मिक्स कर देते हैं, इसके अंदर बॉयल आने देते हैं। बहुत अच्छे से पक रहा है मसाला, दो मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। करी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, इसमें अब हम अपने ऑमलेट ऐड कर देते हैं। तो ये ऑमलेट पीसेस हम इसमें इस तरह से इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर देते हैं ताकि ये थोड़ी देर इसके साथ में भी पक जाए। तो मीडियम फ्लेम में कर देती हूँ, मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अभी कवर करके पकने देना है दो मिनट। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ऑमलेट करी बनके एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक गई है, बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए हमारी ऑमलेट करी बनकर एकदम तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार लग रही है, बिल्कुल पनीर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे लेयर्स में नजर आ रही है। तो इस तरह से ये बन के तैयार होती है, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लेयर्स इसमें नजर आ रही है। तो ये इस तरह से ये बन के तैयार होगी, जो खाने में बहुत ही मजा देती है, बहुत ही यम्मी लगती है, एक अलग ही टेस्ट इसका बनता है। तो अगर आपने ये रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की है तो एक बार आप इसे जरूर बनाएं, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं और जरूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक बहुत ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।